हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स जहाँ अपलोड करता हूँ बी एस सी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम इमेंट टॉपिक्स एंड दैट इज वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं और ये इक्वेशन दो टाइप से फाइंड की जाती है एक होती है फ्री स्पेस के लिए और एक होती है कंडक्टिंग सॉरी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए तो फ्री स्पेस के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इक्वेशन है वी हैव डिस्कसड इन अवर

तो जनरली सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे जो इक्वेशन है उनको हम रिड्यूस करते हैं कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए वो कैसे बिहेव करेगी और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में इक्वेशन क्या क्या होंगी तो हम उनको देख लेते हैं सबसे पहले तो मैक्सवेल की जो सो मैक्सवेल इक्वेशन सो मैक्सवेल इक्वेश क्या क्या होंगी मैक्सवेल की इक्वेशन देखो यहां पे एप्सैलन जो होगा एप्साल ही रहेगा क्योंकि मीडियम की बात हो रही है म्यू जो है वो म्यू ही रहेगा यहाँ पे और रो जो है वो जीरो हो हो जाएगा जाएगा जे यानी कि करंट डेंसिटी जो है वो जीरो बट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी नॉट इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इज द डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर इज इक्वल टू रो ओवर एप्लनन सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है ये मिलता है हमको आप, ना डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर रो जो है वो जीरो हो जाएगा इसलिए ये इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पे जीरो हो जाएगा सिमिलरली हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के बारे में दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ बी वैक्टर दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने जिस जिसको चेंज करने को कहा है वो चीजें इसमें है ही नहीं तो ये डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू जीरो सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू सो बात करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड के बारे में दैट इज द कर्ल ऑफ ई वैक्टर सो कर्ल ऑफ ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वैक्टर ओवर डेल टी और इसमें जब हम चेंज करेंगे तो हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो जनरली हम इसको भी लिख देंगे यहाँ पे कर्ल ऑफ ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर ओवर ये हो जाएगा डेल टी दिस इज इक्वेशन थ्री अब हम बात करते हैं के बारे में. So, equation, vector, कि जे डी का जो फॉर्मूला होता है पूरा यही होता है एक्चुअली म्यू एप्साइलन और ये होता है डेल ई वैक्टर ओवर डेल टी होता है ये पूरा जे डी का फॉर्मूला होता है यानी कि जे जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर यानी कि कर्ल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पे जे जो है वो जीरो है जे वेक्टर जीरो हो जाएगा तो ये वाले टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एप्साइलन ई वैक्टर ओवर ये हो जाएगा टी तो ये हो जाएगी हमारी मैक्सवेल की चारों इक्वेशन अब इन चारों इक्वेशन से हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो क्या करना है ये नॉन कंडक्टिंग के लिए हो जाएगी ये मैक्सवेल इक्वेशन दिस इज फॉर मीडियम ये तो हो जाएगी जनरल मीडियम के लिए और ये हो जाएगी नॉन कंडक्टिंग मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगी तो करंट फ्लो ही नहीं होगी तो उसके लिए करंट डेंसिटी जे जो है वो जीरो हो जाएगा और वहां चार्ज नहीं होगा यानी कि चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी तो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री हमको इक्वेशन थ्री और फोर्थ को सॉल्व करना है उनको कंपेयर करना है फिर उनसे हम वेलोसिटी और इक्वेशन से फाइंड करेंगे सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री के बारे में सो इक्वेशन नंबर थ्री जो है दैट इज दी कर्ल ऑफ ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वैक्टर ओवर ये हो जाएगा डेल टी ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे ओके okay, जो हमने रिड्यूस की है तो इस इक्वेशन से हमको क्या करना है ऑन टेकिंग इसका हम कर लेंगे तो ऑन टेकिंग बोथ साइड हम दोनों तरफ कर लेंगे इसका तो कर लेने का मतलब होता है कि डेल वेक्टर के साथ में जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ में डेल को क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें तो ये इसका कर्ल हो जाएगा और यहाँ पर इसका कर्ल करेंगे तो ये इसका कर्ल हो जाएगा अब हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस फॉर्मेट में होता है सो वी कैन राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। माइनस सॉरी नॉट क्रॉस ओनली डॉट प्रोडक्ट। ओके माइनस क्या हो जाता है यहां पे ए वेक्टर ओके जब माइनस लिखते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये हो जाता है ओके आई थिंक देर इज़ सम मिस्टेक ए बी साथ में होता है यहाँ पे है ना यहाँ पे ए और बी साथ में होता है सी यहाँ पे बाहर रहता है तो ये फार्मूला होता है इस फार्मूले का यूज़ करेंगे सो so ये हो जाएगा ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे तो ए वेक्टर ना बी वेक्टर बाहर रहेगा डेल बाहर रह जाएगा अंदर हो जाएगा डेल डॉट ई क्या हो जाएगा डेल डॉट ई e वैक्टर फिर क्या हो जाएगा डेल डॉट डेल ए और बी साथ में आ जाएगा और ई e जो है वो बाहर रह जाएगा माइनस ये e हो जाएगा डेल टी अब यहां पे देखो ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड है फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फोर्थ फोर्थ से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे चलो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे वैल्यू क्या आ रही है म्यू एप्स एलन डेल ई वैक्टर डेल्टी उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी अब ये जो वैल्यू है ना वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मैक्सवेल इक्वेशन नंबर वन नंबर वन से हम इसको क्या कर सकते हैं जीरो पुट कर सकते हैं सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर हम इसका रेफरेंस दे देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ये जीरो हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया ये माइनस म्यू एपसाइल और ये डेल्टा और ये डी डेल बाई डेल्टी और ये भी डेल बाई डेल्टी क्या हो जाएगा डेल टू बाई डेल्टी स्क्वायर सो so, दिस इज द टू बाई डेल्टी स्क्वायर यानी कि डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई वैक्टर ओके okay, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस यहाँ पे हट जाएगा तो ये क्या हो गया माइनस से माइनस यहाँ पे रिमूव हो गया सो so, ये हो जाएगा डेल ई ना ई वैक्टर और ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन

फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ अभी हमने थर्ड का कर लिया था अब हम फोर्थ का कर लेंगे तो वॉट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ हम देखते हैं यहां पर सो इक्वेशन नंबर फोर्थ द कर ऑफ बी वैक्टर ओके सो ये क्या कहता है इक्वेशन नंबर फोर्थ दैट इज दर्ल ऑफ बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू एपसाइलन डेल ई वैक्टर और डेल टी ये जो होता है इसको हम कहते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन सो ऑन टेकिंग हम क्या करेंगे इसका कर लेंगे सो ऑन टेकिंग कर्ल बोथ साइड ये जो इक्वेशन नंबर फोर्थ है इसके ऑफ इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन नंबर फोर्थ के दोनों तरफ कर लेने का मतलब है कि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ में सो so, ये हो जाएगा म्यू एबसाइलन ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी हमने वापस इसका क्या कर दिया यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया डेल का इसके साथ में अब वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे सो दिस इज ए वैक्टर दिस इज बी वैक्टर एंड दिस इज सी वैक्टर तो जनरली उसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए बी जो है वो बाहर रहता है अंदर रहेगा डेल डॉट बी वैक्टर यहाँ पे सी जो ए जो है वो बी के साथ में होता है तो डेल डॉट डेल हो जाएगा बी वैक्टर बाहर आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन अब ये जो चीज़ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री इसका रेफरेंस क्या लेंगे हम फ्रॉम क्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री को हम जरा देखते हैं तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी स्क्वायर डेल येल्टी के इक्वल होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री यहाँ पे ये म्यू नॉट नहीं होगा क्योंकि okay, मीडियम है ना इसलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अब देखो ये डेल यहाँ पे ऑलरेडी है और वहां से हम एक डेल को और ला रहे हैं यहाँ से एक डेल और आ रहा है तो जनरली ये जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे डबल डेल हो जाएगा, और आ जाएगा. तो डेल स्क्वायर और आ जाएगा यहाँ पे बी वैक्टर ठीक है टू सो मैक्सवेल की इक्वेशन टू जो होता है वो जीरो तो चीज जीरो हो जाएगी तो मतलब क्या मिल गया ये जीरो हो गया तो माइनस ये हो गया डेल स्क्वायर बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एप्सायर डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी वैक्टर ओके माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अब हम एक चीज और जानते हैं कि जो म्यू और एच वैक्टर जो होता है वो बी वैक्टर के इक्वल होता है या फिर मैं अगर कहूँ एच वैक्टर जो होता है वो बी वैक्टर ओवर म्यूक् होता है तो हम क्या करेंगे दोनों और क्या करेंगे म्यू वैक्टर म्यू का डिवाइड कर देंगे सो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड म्यू वैक्टर म्यू वैक्टर का सॉरी म्यू का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एच वैक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू एफसेलन ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा अगेन एच वेक्टर वहां पे हमने e मैग्नेटाइजेशन so, एच क्या है इन मैग्नेटाइजेशन uh, वो किसमें हो गई थी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में ये मैग्नेटाइजेशन हो गई सो so, मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमारे पास में दो इक्वेशंस आई अब इन दोनों इक्वेशन को दीज है ना uh, इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैक्स वाली इक्वेशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है अब हम क्या करेंगे इनका कंपेरिजन करेंगे विदैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सो ऑन कंपेयरिंग

हमको क्या निकालना है मेन हमारा एम ये है कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है द वेलोसिटी सो वेलोसिटी इज वन अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलॉन सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन अब हम एक रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूले से जानते हैं क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन आर What is epsilon r? That is the relative magnetic permittivity. And what is mu naught? This is the magnetic permittivity for um, no vacuum, for free space. Similarly, epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. So, this is the relative permittivity for uh, this is the electric relative permittivity for. Uh, सॉरी एंड दिस इज द फॉर फ्री स्पेस ठीक है तो इन दोनों सॉरी म्यू नॉड म्यू आर म्यू नॉट म्यू आर एंड एपसाइल नॉट एपसाइल आर ओके ये हो जाएगा एपसाइल नॉट इन टू एपसाइलन आर सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एंड नॉट पर जब रूट होता है यानी कि सी जो होता है ना लाइट स्पीड ऑफ लाइट दैट इज वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एफसाइल नॉट वी हैव डिस्कसड इन आवर प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर दिया है डिस्कस कर चुका है इसके बारे में तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी यहां परूट ऑफ म्यू आर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी होगी वो c से कम होगी c में डिवाइड हो रहा है c में किसी चीज का डिवाइड हो रहा है मतलब क्या हो गया उस सी से तो उसकी वैल्यू कम होगी मतलब ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज लेस देन लाइट ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यू से कम होती है तो ये सीधा सा इसका मतलब हो गया सो दिस इज अवर रिजल्ट नंबर वन अब एक और रिजल्ट यहाँ से मिलता है तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जो v बाई सी होता है ना इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ v बाई सी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ एप्सलन आर म्यू आर ये यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं कि म्यू आर इज इक्वल टू वन है जनरली रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको हम वन लेते हैं मैग्नेटिक रिलेटिव परमिटिविटी को इसकी वैल्यू को मैं वन पुट करता हूं तो ये क्या बनता है v ओवर c इज इक्वल टू वन बाई रूट एप्सल और ये जो वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं एन ओके आ, ये वन अपॉन होगा हाँ सी बाई एन सी बाई होता है एक्चुअली ये हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा सी बाई क्रॉस प्रोडक्ट करने पे सी बाई वी मिलता है इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडक्स सो रिफ्रैक्टिव इंडक्स ये रिफ्रैक्टिव इंडक्स होता है किसी मीडियम का तो इसको जनरली क्या हैं लिखता है? R is equal to N square, और एन क्या है सी बाई वी होता है तो ये इसका मीनिंग होता है एन स्क्वायर सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम ये क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा सो so, ये सेकंड रिजल्ट हो जाएगा इसका सो दिस इज रिजल्ट नंबर सेकंड तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया रिजल्ट नंबर सेकंड में हमने ये चीज डिस्कस की सो so, आई होप आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इक्वेशन है फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स